हाय एवरीवन, आप सभी का प्रगति प्रोग्रेस में स्वागत है। आज हम 5th स्टैंडर्ड सेकेंड चैप्टर अदल बदल, जो कि चैप्टर का नाम है और इस स्टोरी का नाम है अदल बदल। और बच्चों, यदि आपका मित्र किसी मुसीबत में है, कोई उसे मार रहा है या किसी ने उसके कपड़े या पुस्तकें फाड़ दी है, तो तुम क्या करोगे? अमृत और ईसब ने ऐसी परिस्थितियों में क्या क्या किया, आओ कहानी पढ़ के जानते हैं। होली की सुहानी शाम थी। बच्चे मोहल्ले के बीच में लगे नीम के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। अमृत और ईसब भी वहीं जा पहुंचा। दोनों नई कमीज और निकर पहने थे, एक ही रंग, एक ही नाप के और सिले गए भी एक ही दिन। दोनों एक ही स्कूल में, एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों के घर भी आमने सामने थे। दोनों के माता पिता का काम धंधा भी एक ही था, खेती। उसके माता पिता खेती करते थे, यानी जो खेत में काम करते हैं, फार्मर। अंतर था तो केवल यह कि अमृत की माँ थी, पिताजी थे और 3 भाई थे, किंतु ईसब की माँ नहीं थी, भाई नहीं थे, केवल पिताजी थे। दोनों दोस्तों को एक जैसे कपड़े में देखकर 2-3 लड़के बोल उठे, अरे ओ अमृत ईसब, कहीं अदल बदल न हो जाना। एक लड़के को शरारत सूझी, बोला, भाई जरा लड़कर तो दिखाओ, देखे कि लड़ाई में भी बराबर हो या नहीं। वहां खड़े दूसरे लड़के भी कहने लगे, हाँ हाँ ठीक तो है, देखो तो सही कौन जीतता है। ठीक है, तो जो 2 लड़के थे वो उनके एक जैसे ड्रेस देख के उनको जलन हो रही थी। वो बोले, भाई आपका सिर्फ कपड़ा एक जैसा है या आप ताकत में भी दोनों बराबर हो? जो आ जाओ देखते हैं। इस सब ने अमृत की ओर देखा। अमृत बोला, ना भाई ना, मेरी माँ तो मुझे मार ही डालेगी, उसने मना कर दिया, मुझे नहीं करना झगड़ा, ताकत नहीं अजमानी, मेरी माँ गुस्सा करेगी। अमृत का डर ठीक था, क्योंकि चलते समय माँ ने चेतावनी दी थी, देखो जिद करके नए कपड़े बनवाए हैं, कहीं फाड़े या गंदे किए तो देख लेना। जब वो बच्चे ईसब जब वो अमृत घर से निकल रहा था, तो उसकी माँ ने ये बातें बोली थी कि बेटा बहुत ही जिद करके आपके लिए नए कपड़े बनवाए हैं, कहीं इनको गंदे मत करना और फाड़ना मत। बात सही थी। यह सुनकर कि ईसब ने नई कमीज और निकर सिलने के लिए दी है, अमृत ने भी माँ से ईसब जैसे कपड़े सिलवाने के लिए कहा था। माँ ने लाख समझाया कि ईसब के कपड़े तो फट गए थे और उसके अभी बिल्कुल ठीक थे, पर अमृत नहीं माना था, वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो ईसब ने जब कपड़े दिए थे और अमृत को पता चला कि उसने कपड़े दिए सिलने के लिए, तो उसी के जैसा सेम कपड़े अपने मम्मी से बोल के और अमृत ने भी सिलवाया। स्कूल और अमृत ने बहुत जिद करके वो कपड़े सिलवाए। वो स्कूल नहीं गया, खाना नहीं खाया, रात को घर पर सोया तक नहीं। आखिरकार माँ ने अमृत के पिताजी को समझा बुझा कर उसके लिए भी नए कपड़े सिलवा दिए थे। ठीक है, अब भला अमृत ऐसा काम कैसे कर सकता था जिससे कपड़े को कोई नुकसान हो, और वैसे भी लड़ाई, और वह भी ईसब के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, पहले तो उसके कपड़े आज नए नए थे, बहुत जिद करके माँ से बनवाया था, उसके कपड़े का कोई नुकसान हो जाए वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और वो लड़ाई भी किससे करेगा, ईसब के साथ, वो तो उसका अच्छा वाला दोस्त है। पर इतने में अचानक एक लड़का अमृत के गले में हाथ डालकर उसे खींच ले गया और बोला, चल हम दोनों लड़ते हैं। ठीक है, अमृत लड़ना नहीं चाहता था, वह छूटने की कोशिश करने लगा। देख कालिया, मैं मना कर रहा हूँ, छोड़ दे मुझे, देख छोड़ दे, तो अमृत बोल रहा है। अमृत चुपचाप खड़ा था, एक कालिया नाम का लड़का आया और उसके गले में हाथ डालकर उसे खींच कर ले गया, और अमृत बोलता रहा कि कालिया मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। ठीक है, इतने में कालिया ने अमृत को जमीन पर पटक दिया, लड़के शोर मचाने लगे, अमृत हार गया, अमृत हार गया। ठीक है, तो कालिया ने अमृत को पटक दिया जमीन पे, तो सारे बच्चे बोलने लगे, अमृत हार गया।
इतने में कालिया ने ईसब ने देखा, ईसब से देखा न गया। ईसब जो कि अमृत का दोस्त था उसको इस तरह से हारते हुए उसे देखा नहीं गया। वो गुस्से में कालिया को ललकारते हुए बीच में कूद पड़ा, आ मेरे सामने आ, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। ठीक है, तो इस सब से बर्दाश्त नहीं हो, बोला कि ठीक है। वो बीच में चला गया ललकारते हुए, बोला कि आ मेरे साथ लड़, मैं तुझे बताता हूँ। पहले तो कालिया झिझका, पर फिर शुरू हो गई कुश्ती। पहले तो कालिया पीछे हट रहा था कि भाई इस सबसे नहीं लड़ना है, लेकिन फिर दोनों में कुश्ती शुरू हो गई। कुछ ही देर में जमीन पर पड़ा कालिया जोर जोर से रो रहा था। दूसरे लड़कों ने जब देखा कि हंसी हंसी का खेल उलट ही हो गया है, तो वे सारे भाग निकले। अमृत भी ईसब को लेकर भाग निकला। तो जो कालिया था उसके साथ ईसब कुश्ती करने लगा। कुछ ही देर में कालिया जोर जोर से रोने लगे। तो सब लड़के सोचे कि भाई ये तो हंसी हंसी का खेल उल्टा ही हो गया, भाई कालिया ही पिट गया। और अमृत भी ईसब को लेकर भाग निकला वहां से। कुछ दूर आगे चलकर अमृत का ध्यान ईसब की फटी कमीज की तरफ गया। जेब के साथ डेढ़ बालिश लंबा टुकड़ा लटक रहा था। दोनों ही ठिठक गए, आधी जीभ बाहर को निकल पड़ी। दोनों की भयभीत आंखें उस टुकड़े पर जा चिपकी। अब क्या करें। जो ईसब के लिए नए कमीज बना था वो तो फट चुका था और फटके लटक रहा था। जब अमृत ने देखा तो वो तो डर गया, बोला भाई अब क्या करें। तभी ईसब के अब्बा ने आवाज लगाई, अरे ओ ईसब कहाँ गया रे। क्या सुनते ही दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई, दोनों डरने लगे। दोनों को निश्चित रूप से मालूम था कि फटी हुई कमीज देखकर ईसब के अब्बा ईसब की चमड़ी उधेड़ देंगे। कितना कहने सुनने पर तो दुकानदार ने कपड़ा उधार दिया था। अब ईसब और अमृत दोनों सोच रहा है कि भाई आज तो ईसब की बहुत पिटाई होगी, क्योंकि उधार लेके उसके पापा ने उसके लिए कमीज सिलवाई थी। फिर से आवाज सुनाई दी, अरे ईसब कहाँ गया, यह कौन रो रहा है। फिर से उसके पापा ने आवाज लगाई और पूछा कौन रो रहा है। दोनों को लगा कि ईसब के अब्बा उधर ही आ रहे हैं। अमृत के दिमाग में बिजली सी कौंधी, वह ईसब को एक तरफ ले गया और अपनी कमीज उतारते हुए कहने लगा, चल जल्दी निकाल और ले मेरी पहन ले। और अमृत ने अपनी कमीज ईसब को दे दिया और बोला कि तू मेरी कमीज पहन ले। ईसब भौचक्का रह गया और बोला और तुम। ईसब बोला कि अब तुम क्या करोगी। मैं तेरी पहन लूंगा, अदल बदल कर लेते हैं, जल्दी कर कोई देख लेगा। अमृत ने कहा, बोला तू जल्दी जल्दी पहन ले नहीं तो कोई देख लेगा। ईसब उलझन में पड़ गया। उसने कहा, लेकिन तेरे पिताजी तो तुझे मारे बिना नहीं छोड़ेंगे। ईसब बोला कि तेरे पिताजी भी तो तुझे मारेंगे, फटे कपड़े में जाओगे तो। अमृत ईसब की कमीज उतारते हुए बोला, लेकिन तेरी तो माँ है ना। अमृत ईसब की कमीज उतारते हुए बोला कि लेकिन मेरी तो माँ है ना, मेरी माँ है। ईसब ने कई बार अमृत को अपने पिताजी की मार से बचने के लिए माँ के पीछे छिप जाते देखा था, फिर भी वह इस अदल बदल के लिए राजी नहीं था। तो जब अमृत की पिटाई होती थी तो ईसब ने बहुत बार देखा था कि जब उसकी पिटाई होती थी तो माँ के पीछे छिप जाया करता था, लेकिन फिर भी वो इस अदल बदल के लिए राजी नहीं था, क्योंकि वो पिटाई का घर में जाके कोई दोस्त जिससे अच्छी दोस्ती करता है उसका कभी बुरा नहीं चाहता है, उसका थोड़ा सा भी उसे कष्ट पहुँचे नहीं बर्दाश्त करता है अपने दोस्त का। तभी अब्बा की आवाज़ फिर सुनाई दी और ईसब ने झट से अपनी कमीज उतार दी। दोनों ने एक दूसरे की कमीज पहन ली और धड़कते दिल से घर की ओर चल दिए। दोनों एक दूसरे की कमीज पहन लिए और चल गए। त्योहार का दिन था इसलिए अमृत की माँ ने थोड़ा गुस्सा दिखाकर उसके अपराध को माफ कर दिया। सुई और धागा लेकर कमीज का फटा हिस्सा भी सील दिया। दोनों बच्चों का डर और संकोच दूर हो गया। दोनों फिर गांव में बाहर निकल गए। उनके मन में अपूर्व आनंद था। तो अभी त्योहार का दिन था, उसका फटा कमीज था इसलिए माँ भी ज्यादा गुस्सा नहीं करी और उसके कपड़े को सुई धागा से सिल दी। तो दोनों बच्चों में जो डर था भय था वो दूर हो गया
और बहुत ही आनंद उनको महसूस हुआ। तभी एक लड़का आँख मिचते हुए बोला, क्यों अदल बदल? अमृत और ऋषभ समझ गए कि यह हमारा रहस्य जान गया है। वे दोनों वहां से खिसक गए। खिसक गए मीन्स वहां से हट गए। लेकिन जहाँ जाते बच्चा उन्हें चिढ़ाते, अदल बदल अदल बदल। बच्चे ने देख लिया था कि उसकी शर्ट उसने पहन ली, उसकी शर्ट उसकी ने पहन ली, तो उसको देख के जहाँ भी देख रहा चिढ़ा रहा है, अदल बदल अदल। सभी जान गए थे कि वे अदल बदल बोलने से चिढ़ते हैं। भांडा फूट जाने से डर से बेचारे फिर घर लौट गए। अब वो फिर से घर वापस आ गए। भांडा फूट जाना मतलब सभी को बात पता चल जाना। आंगन में चरपाई पर बैठे ईसब के अब्बा हुक्का पी रहे थे। उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाया और पूछा, ऐसे क्यों घूम रहे हो? आओ यहाँ बैठो। ईसब के अब्बा उसको बुलाए, दोनों को बोले कि आ जाओ इधर बैठ जाओ। अब्बा की इतनी मीठी आवाज़ सुनकर दोनों सहम गए। अब्बा का मीठी आवाज़ सुन के वो डर गए। उन्हें लगा कि कहीं अब्बा को सारी बात पता तो नहीं लग गया। तभी ईसब के अब्बा ने उठकर अमृत को गोद में उठा लिया और जोर से आवाज दी, बहाली भाभी आज से तुम्हारा अमृत मेरा है। भाभी हंसती हुई बाहर आई और बोली, हसन भैया एक बेटा तो आपसे संभाला नहीं जाता, लेकिन आज से 21 भी हो ना तो संभाल लूंगा। हसन का गला भर आया। तो उसकी मम्मी जो थी वो बोली कि आपसे एक बेटा तो संभलता नहीं, और तो ईशव का पापा बोला, ईशव का अब्बा बोला, लेकिन आज 21 भी हो तब भी संभल जाएगा। गला भर आया यानी बहाली को आश्चर्य हुआ। गला साफ करके हसन ने कमीज बदलने वाली सारी बात कह सुनाई और बोले, जानती हो भाभी ईशव के यह कहने पर कि तेरे पिताजी मारेंगे, तुम्हारे अमृत क्या बोला? बोला कि मेरी माँ है ना, ठीक है। तो जो ईशव के पापा थे वो बता रहे थे, उनका गला भराया यानी आदमी जब दुखी हो जाता है उसके आंसू भरे रहते हैं आँख में तो आवाज़ नहीं निकलती यानी गला भर आता है। बोला कि जब ये दोनों आपस में अदल बदल कर रहे थे तो अमृत ने क्या बोला कि ईशव मेरी तो माँ है, तुम्हारी तो माँ नहीं है। यानी जब माँ होती है तो भाई कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो बचाती है, भाई तुम्हारे तो सिर्फ अब्बा है। फिर से हसन की आंखें भर आई। उसने कहा, सच कहता हूँ भाभी, इसकी इतनी सी बात ने मेरा मन साफ कर डाला, मेरा दिमाग ठिकाने पर ला दिया। बोला कि इसकी इतनी सी बात मुझे मेरा दिमाग ठीक कर दिया। आँखें भराना यानी आँख में आंसू आ जाना। तो हसन को किस्सा सुनाते देखकर मोहल्ले की दूसरी महिलाएं भी वहां आ गई थी। बच्चों का परस्पर प्रेम देखकर वो भी दंग रह गई और बाकी महिलाएं भी दोनों का परस्पर मतलब एक दूसरे के लिए प्रेम देखकर दंग रह गई यानी हैरान रह गई। इतने में होली जलाकर लौटते हुए बच्चों ने अमृत ईसब को देखा और छेड़ना शुरू कर दिया, अमृत ईसब अदल बदल। लेकिन अब तो डरने की कोई बात ही नहीं थी। अमृत ईसब सुनकर उल्टे और खुश हुए। अदल बदल की बात सारे गांव में फैल गई। पूरा गांव बच्चों के अमृत ईसब अदल बदल अदल भाई के शोर से गूंज उठा। तो सभी ने भाई तारीफ ही करी कि भाई एक दोस्त को नुकसान पहुंचा, उसका शर्ट फट गया तो दूसरा दोस्त अपना शर्ट निकाल के दे दिया। तो इस तरह से इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारा दोस्त जब परेशानी में हो तो हमें उसका साथ देना चाहिए। शब्द अर्थ, सुहानी मन को अच्छी लगने वाली, चेतावनी सावधान होने की सूचना, चमड़ी उधेड़ना बहुत मारना, दिमाग में बिजली सिकोड़ना, अचानक विचार आना, संकोच झिझक, अपूर्व अनोखा, खिसक जाना, चुपके से भाग जाना, भांडा फूटना, भेद खोलना, सहम जाना, डर जाना, गला भराना, भावुक हो जाना, आंखें भर आना, आंखों में आंसू आ जाना, परस्पर यानी आपस में दंग रह जाना, हैरान चकित रह जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।